लेकिन जिस तेवर जिस विधा के लिए इस हाड़ौती के इस नन्हे बेटे को जाना जाता है, मैं उस तेवर की बात करता हूं। स्वागत है। जब कुछ लोगों ने ये नारे लगाए, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तब मित्रों 33 जिलों के राजस्थान से कवि खड़ा होता है और डंके की चोट पर कहता है कि जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जो हिंदुस्तान में रहते हैं पर गीत पाकिस्तान के गाते हैं, वो कन्हैया कुमार जैसे विद्यार्थी जो भारत कन्न खाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं, तब पढ़ना चाहता हूं कि मंदिर और मस्जिदों में बांटो मत देश को, मंदिर और मस्जिदों में बांटो मत देश को, पूरा हिंदुस्तान मेरा एक कर दीजिए और सारा देश झूमे नाचे गाए वंदे मातरम, खंड खंड देश को अखंड कर दीजिए, खंड खंड देश को अखंड कर दीजिए और भारत की भूमि और नारे पाकिस्तान के ऐसे देशद्रोहियों का मुंड तान कर दीजिए, ऐसे देशद्रोहियों का मुंड तान कर दीजिए। पूरी दुनिया ये कहने लगी धारा 370 क्यों हटा दी गई। मित्रों इसलिए हटाई क्योंकि जो कश्मीर था जहां पर तिरंगे झंडे जलाए जाते थे वो कश्मीर पूरी तरह बर्बादी की कगार पर था और पुराना कश्मीर लौटाना था। मैंने पुराना कश्मीर नहीं देखा लेकिन जब साजन जी गवालियरी जैसे बड़े कवियों के साथ बैठा तो कहीं ना कहीं सुना कि ऐसा हिंसा वाला कश्मीर नहीं था जो लोग इधर खड़े हुए हैं। मैं अगर उन्हें लग जाए कि सच में कश्मीर ऐसा था और ऐसा ही बनाना था, इसलिए दोबारा धारा 370 हटाई और एक मजबूत कश्मीर बनाया। पंक्तियां पढ़ता हूं कश्मीर था के। स्वागत है भाई, पढ़िएगा। वो ऋषियों की धरती थी, वह हवन कुंड भी होते थे। वो ऋषियों की धरती थी, वह हवन कुंड भी होते थे। वो ऋषियों की धरती थी, वह हवन कुंड भी होते थे। भारत माँ के पंडित बेटे उसी धरा पर सोते थे, भारत माँ के पंडित बेटे उसी धरा पर सोते थे। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनाते थे, वो मुस्लिम के घर जाते, मुस्लिम उनके घर पर जाते थे और अमरनाथ के जयकारों पर मुस्लिम खुशी मनाते थे। अरे जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे, जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे। और क्या परिवर्तन हुआ, धारा 370 हटने के बाद का परिवर्तन पढ़ता हूं। और 24 तारीख की वो तारीख याद करना जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति भारत की धरती पर आएंगे, कब पूरी दुनिया साथ खड़ी है, भारत से हमदर्दी है, पूरी दुनिया साथ खड़ी है, भारत से हमदर्दी है, लेकिन अपने बोल रहे हैं ये तो गुंडागर्दी है। पूरी दुनिया साथ खड़ी है, भारत से हमदर्दी है, लेकिन अपने बोल रहे हैं ये तो गुंडागर्दी है। अरे अब दुनिया के दादा हमको वीजा देते रहते हैं, वो पाकिस्तानी इमरान खान मोदी को जीजा कहते हैं। अरे अब भारत के बेटे जाकर अमेरिका से आते हैं और अब दिल्ली की गद्दी पर दो शेर सरी के बेटे हैं। अरे अब दिल्ली ने जाकर के पिंडी को चाटा मारा है और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। क्या परिवर्तन हुआ साहब, पूरी दुनिया कहने लगी, प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, आदरणीय तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, आयुक्त साहब बैठे हुए हैं, क्या परिवर्तन था। मित्रों कश्मीर के अंदर आजादी का मतलब बहुत बुरा था। मैं पढ़कर जाना चाहता हूं, मंच का सबसे छोटा कवि हूं, संविधान का अध्यापक हूं, मैं पढ़कर जाना चाहता हूं कश्मीर की स्थिति क्या थी, लोगों ने आजादी का क्या मतलब था। आजादी का मतलब था कि भारत मुर्दाबाद का हो, आजादी का मतलब था कि भारत मुर्दाबाद का हो, चांद सितारे वाले झंडे लेकर के आजाद रहो। आजादी में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, भारत माता के आंचल में डंडे गाड़े जाते थे, आजादी में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, भारत माता के आंचल में डंडे गाड़े जाते थे, आजादी में भारत माता को गाली दी जाती थी, आजादी में ओबीसी को भी ताली दी जाती थी। अरे आजादी को गाली देते उन लोगों को छाटेंगे और लाल चौक पर खड़ा करेंगे, उनकी गर्दन काटेंगे, लाल चौक पर खड़ा करेंगे, उनकी गर्दन काटेंगे। ये परिवर्तन है साहब। सेना के कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनके हाथ तक बांध दिए गए थे, क्या स्थिति थी साहब। आज से 6 साल पहले सेना की जो स्थिति थी वो पढ़कर जाना चाहता हूं और मुझे लग जाए इतने कम श्रोताओं में भी भूपेंद्र राठौर वो बात कहकर जा रहा है जिसके लिए राजस्थान की धरा को जाना जाता है। क्या स्थिति थी साहब, जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था, जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था, भारत मुर्दाबाद बोलकर पत्थर फेंका जाता था।
सीधा पत्थर मारते थे सेना के जवानों को कश्मीर में। का जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था, भारत मुर्दाबाद बोलकर पत्थर फेंका जाता था। पर अब दिल्ली के दरबारों ने सेना से प्यार किया है जी, और घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी, घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी। क्या परिवर्तन हुआ साहब, क्या समझते थे लोग? अरे जब भारत के 44 बेटे बस में मार गिराए थे, याद करना पुलवामा की वो धरती, कश्मीर में फटाके फोड़े गए थे और लोगों ने ये कहा था अफजल गुरु की मौत का बदला ले लिया, मेरे भारत के 44 सैनिक शहीद हो जाए और कश्मीर ये भाषा बोले कि हमने बदला ले लिया। तब पढ़ना चाहता हूं साहब कि जब भारत के 44 बेटे बस में मार गिराए थे, तब भारत के गद्दारों ने गीत खुशी के गाए थे। वाह, जब भारत के 44 बेटे बस में मार गिराए थे, तब भारत के गद्दारों ने गीत खुशी के गाए थे। अफजल जिंदाबाद के नारे दिल्ली में लगवाए थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर काले बादल छाए थे। ऐसे घर के गद्दारों को मत मोदी अब माफ करो, और सबसे पहले घर के गद्दारों को मोदी साफ करो। क्या बात है, वाह, सबसे पहले घर के गद्दारों को मोदी साफ करो। क्या परिवर्तन आया साहब देश में? मुझे ये पता नहीं है, मैं किसी राजनीतिक दल का गुलाम नहीं हूँ, भूपेंद्र राठौर का इतना सा परिचय है। यारों मुझको शौक नहीं है दरबारों में जाने का, राजमहल में जाकर मेरे मस्तक को झुकाने का। मैं दिनकर का वंशज हूँ, दिनकर की गाथा गाऊंगा और सोती सोती जनता को भी आज जगा कर जाऊंगा। और जब तक मुझ में सांस रहेगी मैं तब तक चिल्लाऊंगा, और जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। क्या बात है भाई, मैंने तब भी लिखा साहब, आज पूरी दुनिया कह रही है कि एक राजनीतिक दल राम जी का मंदिर बना रहा है, नहीं, हम कवियों ने खुलेआम मंचों से राम जी के गीत गाए साहब, और उस सरकार को भी जगाया जो राम जी के नाम पर दिल्ली में बैठी। भूपेंद्र राठौर ने वहां तक भी लिखा कि मैं उनसे भी कहता हूं जो रामलला की गाते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं जो रामलला की गाते हैं। रामलला तो तेरे मेरे मन के अंदर आते हैं, अरे जो जिन्ना की बात करे वो राम नहीं कह सकते हैं, और जिनके दिल में जिन्ना है तो राम नहीं रह सकते हैं। या तो तुम दिल्ली में रह लो या पिंडी में मौज करो, रामलला को चाहते हो तो रामलला से सोच करो। अरे मंदिर की ईंटें मांगी थी और मंदिर का चंदा था, राम नाम पर वोट मांगना यारो कैसा धंधा था। और जब दिल्ली की गद्दी देखी तो सपनों में झूल गए, अरे रामलला ने दिल्ली दी थी रामलला को भूल गए, रामलला ने दिल्ली दी थी रामलला को भूल गए। लेकिन तब किसी प्रधानमंत्री की अगवानी में गाना पड़ता है साहब, एक टिप्पणी हुई, सैनिक लोग खड़े हुए हैं साहब, एक बहन होती है, वो बहन होती है सरबजीत की बहन, जिसके भाई को साजन जी ग्वालियर की जेल में, वहां पाकिस्तान की जेल में मार दिया गया। और तब वो बहन एक बात कहती है कि यदि मेरे भाई की मौत के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो आज मेरा भाई कुलभूषण और अभिनंदन की तरह जिंदा होता। भाई बढ़िया, वाह। तब पढ़ना चाहता हूं साहब का, हमने कोई गलती नहीं की साहब, कविता के अंतिम पंक्ति पढ़कर जाना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद क्या परिवर्तन आया। का धारा हट गई 370, धारा हट गई 370, भारत माँ मुस्काएगी, वो कश्मीर की धरती भी अब जनगणमन को गाएगी। धारा हट गई 370, भारत माँ मुस्काएगी, वो कश्मीर की धरती भी अब जनगणमन को गाएगी। जो लोग तिरंगे जला रहे हैं, जो लोग तिरंगे जला रहे, क्या परिवर्तन हुआ साहब? धारा हट गई 370, भारत माँ मुस्काएगी, वो कश्मीर की धरती भी अब जनगण मन को गाएगी। मेरी भारत माता जग में वंदनीय कहलाएंगी, और अब भारत की सेनाएं भी शीश काट काट कर लाएंगी। और जो लोग तिरंगे जला रहे हैं अब उनकी शामत आएगी, और जो भारत मुर्दाबाद कहे वो जीभ काट दी जाएगी, जो भारत मुर्दाबाद कहे वो जीभ काट दी जाएगी। भारत माता की।